नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरा न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजनीति से जुड़ी हुई सपा सुप्रीमो में अखिलेश यादव का उन्नाव दौरा है। रथ लेकर लखनऊ से उन्नाव जाएंगे सपा के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश आपको बताते चले सपा के चुनावी अभियान का वहां से शंखनाद करेंगे। रथ यात्रा से सपा करेगी चुनावी अभियान का शंखनाद, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद सूबे में चुनाव होने हैं। 150 जगहों में रथ यात्रा का सम्मान होगा और मनोहर लाल निषाद की मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा सरोसी के स्कूल में मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव का उन्नाव दौरा है। रथ यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव और चुनावी शंखनाद का आगाज करेंगे, क्योंकि 8 महीने बाद आपको बताते चले राज्य में विधानसभा चुनाव है। 2022 में चुनाव है, कुछ ही समय बचा है, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां इस रणक्षेत्र को जीतने के लिए चुनावी रणक्षेत्र में उतर चुकी हैं, जिसको लेकर के सपा के मुखिया अखिलेश यादव रथ लेकर लखनऊ से उन्नाव जाएंगे और वहां जाकर के चुनावी शंखनाद करेंगे। वहीं से चुनाव की जो बागडोर है उसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर है आप तक पहुंचा देते हैं। एसएसपी ने दरोगा पर गाज गिराई है। आपको बताते हैं दरोगा पर एसएसपी गौरव ग्रोवर की कार्रवाई हुई है। काम में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। दरोगा कपिल शर्मा को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एसएसपी ने विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लापरवाही को देखते हुए आपको बताते चले गाज गिराई गई है एसएसपी की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरोगा कपिल शर्मा को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, और जिसको देखते हुए आपको बताते चलो लिस्ट बनाई जा रही है कि कौन भ्रष्ट सिपाही हैं और इसके साथ साथ कौन कौन से वो लोग हैं जो अपना कार्य सुनिश्चित तरीके से सुदृढ़ तरीके से नहीं कर पा रहे, जिसको देखते हुए गौरव ग्रोवर की कार्रवाई है। दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां विधान परिषद की खाली पड़ी 4 सीटों को लेकर यूपी में कवायद तेज हो चुकी है। जितिन प्रसाद संजय निषाद को बीजेपी विधान परिषद भेज सकती है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में 4 से 6 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। फिलहाल मंत्रिमंडल में 6 पद खाली है। तो आज देश भर में ईद उल अजहा या बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसको लेकर बीते कई दिनों से तैयारियां भी जोरों पर थी। बकरीद के त्यौहार को कुर्बानी के दिन के रूप में भी याद किया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रमजान के 2 महीने बाद कुर्बानी का त्यौहार बकरीद आता है। हमारे देश के अलावा किसी भी और जगह पर ईद उल अजहा को बकरीद नहीं कहा जाता। आज के दिन आमतौर पर बकरी की कुर्बानी दी जाती है, इसलिए हमारे देश में इसे बकरीद भी कहते हैं। आज के दिन आपको बताते चले बकरे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। इस धार्मिक प्रक्रिया को फर्ज कुर्बान कहा जाता है। आपको ये भी बता दें कि देश भर में इस साल करीब 21 जुलाई को बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद उल अजहा की विशेष नमाज सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अदा की जाएगी। बता दें कि बीते साल कोरोना संक्रमण की भयावहता की वजह से लोगों को घर से ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। तो राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचाएंगे। यूपी कैबिनेट की आज बैठक होगी। शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास ये बैठक हो सकती है। कैबिनेट की बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में लोक भवन में होगी। कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे। और आपको ये भी बता दें विधानसभा सत्र आहूत करने का प्रस्ताव आ सकता है। नई जनसंख्या नीति का प्रस्ताव इस बैठक में रखा जा सकता है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी
नियम लाने की सूबे की सरकार जो है वो तैयारी कर रही है, जिसको देखते हुए विधानसभा सत्र आहूत करने का जो प्रस्ताव है वो रखा जा सकता है और इसके साथ साथ नई जनसंख्या नीति का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। यानी जल्दी से इसे अगस्त में बताया जा रहा था कि इसे कानून का रूप दिया जा सकता है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी की आज कैबिनेट बैठक है, लगभग शाम 5:30 बजे के आसपास यूपी कैबिनेट अपनी बैठक बुलाएगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सीएम योगी भी आपको बताते चले लोक भवन में बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोरोना की बात करते हैं। कोरोना पर सरकार की ओर से मंगलवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने भी अपनी बातें सामने रखी। पीएम ने कोरोना को अप्रत्याशित बताते हुए एक बार फिर से सबसे चौकन्ना रहने की अपील की है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस महामारी की ताजा स्थिति को देखते हुए हर तैयारी करने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि ऐसे में सबको साथ रहकर महामारी से मुकाबला करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कहा है कि ऐसी महामारी 100 सालों में एक बार आई है, लिहाजा इससे निपटने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीएम ने महामारी को मानवता का मुद्दा बताया है। प्रधानमंत्री ने महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की अपील करते हुए कहा सभी राज्यों को उसकी ज़रूरत के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने आंकड़ा पेश करते हुए कहा है कि धीरे धीरे वैक्सीन की रफ्तार बढ़ रही है। पीएम ने बताया पहला 10 करोड़ वैक्सीन लगाने में 85 दिनों का समय लगा, जबकि आखिरी 10 करोड़ वैक्सीन लगाने में मात्र 24 दिनों का समय लगा था। उन्होंने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि दुनिया की किसी भी देश के मुकाबले भारत में ज़्यादा लोगों को टीका लग चुका है। हालांकि पीएम ने टीकाकरण अभियान के 6 महीने बीत जाने के बाद भी कई स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर को टीका नहीं लगने पर गहरी चिंता व्यक्त की। नरेंद्र मोदी ने दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रयासों का भी जिक्र किया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गोलीबारी की एक घटना का मामला सामने आ रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी और उनकी बेटी पर गोलियां चलाई गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब दोनों की स्थिति खतरे से बेहतर बताई जा रही है। हालांकि हमले में और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने दहशत फैलाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को अपना निशाना बनाया। आपको यह भी बता दें कि सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़गाम इलाके के एक स्थानीय आतंकवादी और उसके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार करके लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पकड़े गए लोगों के पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। मामले में सेना और सीआरपीएफ ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक स्थानीय आतंकवादी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर बड़गाम पुलिस ने 4 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार करके प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा एक उग्रवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, अब तक पहुंचा देते हैं मौसम से जुड़ी हुई। बारिश से अलग अलग जगह मकान गिरने की खबर सामने आ रही है। मकान गिरने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके साथ साथ एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले मानकपुर में दंपति एक अन्य की मौत, सीएम योगी ने जनहानि पर दुख भी जताया है। अफसरों को पीड़ितों की सहायता के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह मकानों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर है 7 मकान भरभराकर गिर चुके हैं, जिसमें से लगभग 4 लोगों की इस घटना की वजह से मौत की खबर सामने आ रही है। अफसरों को पीड़ितों की सहायता के निर्देश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा दे दिए गए हैं। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बारिश से अलग अलग जगहों पर मकान गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। मकान गिरने से लगभग
7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और इसके साथ साथ इस पूरे मामले पर सूबे के मुखिया ने ही पूरी तरीके से संज्ञान ले लिया है। खबर ये भी है कि इस घटना की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। मानकपुर में दंपति एक अन्य की मौत जो है वो बताई जा रही है। तो देश भर में मॉनसून का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने बताया है कि इन सभी जगहों पर 23 और 24 जुलाई को मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 जुलाई तक राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के आसार हैं। विभाग की तरफ से मंगलवार शाम दी गई जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे के बाद उत्तर पश्चिम भारत में बारिश कम हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली में आज बादल बरस सकते हैं। 20 जुलाई से 23 जुलाई के बीच कोंकण और गोवा और इनसे सटे मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण गुजरात में 23 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 24 जुलाई को यह बढ़कर अति भारी बारिश का रूप ले सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो सकती है। वजह है शिक्षक भर्ती में हुआ घोटाला। अब हालांकि सरकार का कहना है कि भर्ती निष्पक्ष हुई है और किसी तरह का घोटाला इसमें नहीं हुआ, लेकिन आयोग की रिपोर्ट और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के मत बिल्कुल अलग है। तो वही सूबे में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। विपक्ष सरकार पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगा रही है और कह रही है कि सरकार ओबीसी और एससी विरोधी है। पूरे मामले पर रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर सोमवार को पुलिस ने बल प्रयोग किया और जिसमें भगदड़ मच गई और पुलिस एक्शन में कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल भी हुए और जिसे लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रही है। दरअसल लखनऊ में ओबीसी और एससी वर्ग के असिस्टेंट टीचर पिछले 22 दिन से लगातार प्रदर्शन कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग सरकार से कर रहे हैं। सोमवार को एससीईआरटी कार्यालय निशांतगंज में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया और इस दौरान अभ्यर्थियों में भगदड़ मच गई और कई लोग घायल भी हुए। घायल अभ्यर्थियों को इलाज के लिए हजरतगंज सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। घायल अभ्यर्थियों से मिलने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीजेपी ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। ये वर्ग आगामी चुनाव में बीजेपी को मजा चुखा देंगे। अभ्यर्थी बीते 22 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 जुलाई को बेसिक शिक्षा मंत्री ने आयोग की अंतरिम रिपोर्ट लागू करने के लिए 4 दिन का समय मांगा था और जिसके बाद अभ्यर्थी शांतिपूर्वक धरने पर बैठकर सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सोमवार को लखनऊ के निशानगंज स्थित एससीईआरटी कार्यालय पर सैकड़ों की तादाद में एससी ओबीसी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर जो मंत्री से आयोग की अंतरिम रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे थे, तभी देर शाम पुलिस पहुंची और उन्हें खदेड़ने लगी। इसी दौरान कई अभ्यर्थी घायल भी हुए। पुलिस ने अभ्यर्थियों को मौके से हटाने के लिए बल प्रयोग किया जिसमें घायल हुए छात्रों को लेकर कांग्रेस ने रोष व्यक्त किया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार ओबीसी और एससी विरोधी है। आगामी चुनाव में बीजेपी को इसका जवाब मिलेगा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग सिर्फ इतनी थी कि वो घोटाले का जवाब मांग रहे थे और इसके एवज में सरकार ने उन पर लाठियां भांज दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा था कि शिक्षक भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी है।
इसमें कहीं आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी कोई पत्र नहीं मिला। शिक्षा मंत्री ने इस मामले में प्रमुख सचिव को आयोग से संपर्क करने के लिए कहा है। सतीश द्विवेदी ने कहा कि आयोग जो रिपोर्ट देगा हम उस पर जवाब देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। इस अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि 5,844 सीटों का आरक्षण में अनियमितताएं हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ओबीसी वर्ग को 21% आरक्षण ही नहीं मिला है और उन्हें अपने कोटे की 18,598 सीट में से केवल 2,637 सीट ही दी गई हैं। हालांकि सरकार ने अब तक इस रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दिया है। इससे पहले अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। हालांकि इस दौरान उन्हें आश्वासन मिला था कि उनकी बात सुनी जाएगी। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए विवेक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की थी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ओबीसी वर्ग को इस भर्ती में 27% की जगह 4% से भी कम आरक्षण मिला। ऐसा ही एससी वर्ग के साथ हुआ। भर्ती में जांच की मांग को लेकर ओबीसी और एससी वर्ग के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में चुनाव करीब है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे इस प्रदर्शन को हवा देने की खूब कोशिश विपक्ष कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष थी और इसमें किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को सरकार मनाने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, और इस पूरे मामले का असर आगामी चुनाव पर कितना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क आर न्यूज। चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर न्यूज।